अभी कन्फ्यूजन चल रहा है नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में। ये जानना जरूरी है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट को नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत वन इंडिया वन एग्जामिनेशन के हिसाब से ये एग्जामिनेशन होना पूरे इंडिया के लिए ये इस एक्ट में दिया गया है। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आना है, ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो आएगा ये इंडिया के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, दोनों के लिए ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना होगा एनएमसी एक्ट के तहत। आपको याद दिला दूं कि एनएमसी ने कुछ महीनों पहले एक निकाला था कि हम जुलाई 28 को एक एग्जामिनेशन करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे और बच्चों को फीस देने के लिए भी बोला था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, उसको विड्रॉ कर दिया ये कहकर इस साल नेक्स्ट का एग्जामिनेशन नहीं होगा। और नेक्स्ट का एग्जामिनेशन कब होगा इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। बीच में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने का एक वीडियो घूम रहा है जिसमें उन्होंने कहीं बोला है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन इस साल नहीं होगा। 4 महीने पहले अनाउंसमेंट हुआ, एक एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम, एक एमबीबीएस क्वालिफिकेशन एग्जाम और एक पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दोनों अलग होते हैं सर, तो अभी ये चालू करने का, ये कैसे रिजॉल्व करने का, अभी स्टूडेंट्स पे कितना स्ट्रेस है, इसको कोई सॉल्यूशन हो सकता है? स्टूडेंट को स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं 19 बैच को नेक्स्ट में नहीं ला रहा हूँ, 20th बैच को नेक्स्ट में लाऊंगा, यानी कि ये साल में नेक्स्ट नहीं ले जाएंगे। दूसरा, फाइनल एग्जाम को मैं नेक्स्ट के रूप में नहीं लूंगा, नीट एग्जाम को मैं नेक्स्ट के रूप में लूंगा। डिग्री दे दो, लेकिन डिग्री के बाद रजिस्ट्रेशन तब होगा जब आप नेक्स्ट पास करेंगे, यानी कि नेक्स्ट इक्वल टू नीट। ये दिशा में आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, कोई टेस्ट ना ले, कोई ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट नहीं करेगी, एनएमसी नहीं करेगी कि जिसमें स्टूडेंट पे कंफ्यूजन है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन की कब होगा उसकी तिथि अभी नहीं बताई गई है, किसको लागू होगा इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। एक कन्फ्यूजन प्रिवेल कर रहा है कि क्या यूनिवर्सिटी फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देगी, उसके बाद बच्चे को डिग्री मिलेगी, उसके बाद बच्चा नेक्स्ट एग्जामिनेशन देगा, या फिर जो फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है वो नहीं होगा, उसका रिप्लेसमेंट नेक्स्ट होगा। इसमें कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है। आप लोग विचलित ना हो, क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन जो है वो एनएमसी शीघ्र ही देगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आगे चल के नेक्स्ट आने वाला है, नेक का एग्जामिनेशन इस साल नहीं होगा और हो सकता है शायद अगले साल भी ना हो, लेकिन इस साल पक्का है कि नेक्स्ट का एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये भी बताया गया है कि इस साल का जो करिकुलम आया है बच्चों के लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम जो अभी हाल ही में अगस्त में निकाला गया है, उसमें ये भी लिखा गया है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है, जो बैच इस साल एडमिट हो रहा है उन बच्चों का नेक्स्ट एग्जामिनेशन 2028 फरवरी में होगा। तो मतलब कि इसमें क्लैरिफिकेशन है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन आएगा, लेकिन कौन से बैच से शुरू होगा इस पे क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। क्या नेक्स्ट एग्जामिनेशन फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को रिप्लेस करेगा यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी का, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। तो विचलित ना हो, ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। इस साल के बच्चे जो अपीयर कर रहे हैं उनको वही लागू होगा जो उनके साथ हो रहा है, मतलब कि वो अपना फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देकर अपना डिग्री लेकर अपनी इंटर्नशिप कर लेंगे। आगे क्लैरिफिकेशन के लिए हम वेट करते हैं कि एनएमसी क्या बोलता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समझा पाया हूं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशंस के बारे में और नेक्स्ट के बारे में जो कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा मैं क्लैरिटी देने में सफल रहा हूं। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि अगर आप सबके पास कोई डाउट्स हैं अभी भी और कोई क्लैरिफिकेशन है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास लेकर आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनका जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।